भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इन दोनों सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के दौरे पर हैं और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है। सब्सक्राइब नाउ द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इन दोनों सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के दौरे पर हैं और ये बताया गया है कि 8 दिसंबर से वो वहां पर मौजूद है। इस दौरान उन्होंने सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया है और वहां पर खिताब भी किया है। लेकिन अगर इसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या पाकिस्तान पर इस दौरे का कुछ असर जो है वो पड़ सकता है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो? पॉजिटिव को तो हम लोग किसी भी तरीके से देख ही नहीं सकते। यूएई में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़, तो आप समझ लें कि 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इतना इंटरेस्ट है इंडिया का वहां पे। इसी तरह से 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ भी जो इनके ताल्लुकात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अगर याद हो, इसराइल को जो फ्लाइट सर्विस शुरू की भारत ने कुछ अर्सा पहले, तो सऊदी अरब ने भारत को अपनी एयर स्पेस दी कि भारतीय जहाज जो है वो इसराइल जा सके। तो ये है इनके ताल्लुकात की नौियत। अब एक तरफ है मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ है MBZ और उधर MBS, इधर मोहम्मद बिन जायद MBZ जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर है यूएई की आर्म्ड फोर्सेस के। ये दोनों इस वक्त जो है इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये इन दोनों का विजन सामने आ रहा है कि इन्होंने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने तुर्की, ईरान और चाइना वगैरह के साथ ज्यादा जफियां डाली तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपना जवाब ये मामला चल रहा है। कोई अचानक मामला नहीं है और ये एक पूरी चेन ऑफ सीरीज है। मोदी साहब को आला तरीन एजाज देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और यूएई में आला तरीन एजाजात देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फौज से फौज के ताल्लुकात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का। खलीज GCC पूरा का पूरा वजन डाल रहा है अपना हिंदुस्तान के पड़ले में। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है, सबसे बड़ा दुनिया में शायद, एक पहला दूसरा। उसके बाद वहाँ और मसाइल हैं, इसराइल से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, मराकश ने कबूल कर लिया है, सब कबूल कर लेंगे, सब हाँ कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम तैयार हम हैं शायद के सऊदी अरब वगैरह उधर जाने वाले। और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत सारे वहां मुकीम है जो वहां से रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, वहां मुलाजमतें करते हैं, तो अगर वहां पर ये कोई ऐसी कोई कट लगाते हैं मजीद, पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं यूएई से, सऊदी अरब से कि पाकिस्तानी मुलाजमों के खिलाफ ये इस किस्म के कोई इकदाम कर रहे हैं, तो अब ये अगर इस किस्म की कोई चीज करते हैं तो जाहिर है उसका मुआशी एक बहुत हमें सेटबैक पड़ेगा, वो तमाम लोग फिर यहाँ माइग्रेट करेंगे, हमारी रेमिटेंसेस पे असर उसका मनफी पड़ सकता है। हिंदुस्तान में ना सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया ने आरामको जो उनकी कंपनी है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की है, बल्कि सऊदी अरेबिया $100 बिलियन का ऐलान किया था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और ये पिछले साल की बात है और फिर उन्होंने बाद में कहा कि कोविड के बावजूद वो ये करेंगे और कश्मीर के ऊपर जो उनका स्टैंड है वो भी हमने देख लिया है। अब हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। इसका असर तो जाहिरी बात है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा और इससे हम जो है चश्मपोशी नहीं कर सकते और वो ये है कि रवायती तौर पर ये हमें हमारे एलाइज समझे जाते थे मगर अब ऐसी बात नहीं है।